व्हाट्स अप गाइस, और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो फिर आज हम लोग क्या सीखने वाले, मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है, आप उसको ऊपर नीचे करके आप सेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप जब भी कोई एक नया प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसमें अपने आप लिखे जिससे वो ऑटोमेट हो कि आपका वॉल्यूम अपने आप सेट हो। तो फिर आपको करना क्या है, मैं बिना वक्त गवाए शुरू कर देता हूँ। तो फिर आपको करना क्या है, आपने उसमें चले जाना है, और यहाँ पर मैंने एक लिंक खोला हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यह nirsoft.net utils nircmd.html। आपको करना क्या है कि nircmd आपको लिखना है, अपने गूगल करना है nircmd, और पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। आप फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, nircmd डाउनलोड लिखेंगे तो दिया जाएगा। देखिए पहला ही लिंक आपको क्लिक कर देना है और आपके ये खुल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको उसे नीचे आ जाना है, और मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाएगा। ये है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ये है 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसे देख लीजिए, और इसके साथ साथ जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसा zip फाइल मिलेगी। आपको एक zip फाइल मिलने वाली है, मेरी zip फाइल ये रहेगी, और आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे तीन फोल्डर मिल जाएंगे, ये तीन ऐसे फाइल मिल जाएगी। और आपको करना क्या है कि इसमें से सिर्फ इसी की आपको रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इसको ऐसे ओपन करें तो फिर ये विंडो तुरंत ओपन होगी, क्लोज हो जाएगी, देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, या आपको आपकी फाइल मिल गई, आपको इस पर या तो पाथ में ऐड करना है, या तो आप इसको सिस्टम 32 में जाके रीनेम करके nircmd कर सकते हैं। मैंने इसको nircmd से सेव कर लिया है, और अगर मैं अब अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखूं nircmd, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा आ गया, इसका मतलब कि ये पाथ में ऐड है मेरे, और अब मैं इस पर कोई भी कमांड लिख सकता हूँ। याद रखिएगा कि आपने nircmdc होगा, उसको रीनेम करके nircmd कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक जगह में ले जाना चाहूँगा। ये रहा, एक सुंदर सा बैनर आपको दिख जाएगा, और एक यूट्यूब चैनल है इट्स अरुण स्टार के नाम से। अगर आपको ये देखने में अच्छा लगे तो फिर यार यहाँ पे एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब करने वाला, सब्सक्राइब कर लेना। कोई ढेर सारी वीडियोस है इस पर, जो वीडियोस बनाए देख लेना, यहाँ पे है सब्सक्राइब बटन मेरा, तो मैं क्रिएटर से देखता हूँ। तो फिर आपको सब्सक्राइब कर लेना यार, भाई का चैनल है, सब्सक्राइबर तो 50 होने वाले हैं, तो फिर क्या जाता है। तो फिर चलिए मैं दिखाता हूँ फिर से, NIR इसमें चले जाना है, और आपको लिखना है nircmd। ये तो मैंने बता दिया आपको ये करना है, लेकिन आप कमांड ये nircmd आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ। nircmd के बाद आपको लिखना है चेंज सिस वॉल्यूम, चेंज सिस वॉल्यूम, और यहाँ पे जितना आपको वॉल्यूम चेंज करना है। याद रखिएगा कि अगर मैं 5 साल रहा हूँ तो भी देख लीजिए पहले मेरा वॉल्यूम क्या है, मैं यहाँ से वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए अभी है वॉल्यूम 52%, देख लीजिए 52। अगर मैं यहाँ पे इंटर मारूँ देखिएगा वॉल्यूम मेरा चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम। अब देखते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे ही nircmd, अगर आपको म्यूट करना है तो फिर म्यूट सिस वॉल्यूम, और इसके आगे बंद लिख देना है साउंड ऑफ की इसको, तो अब देखिए म्यूट हो गया मेरा। और अगर अनम्यूट करना है तो nircmd म्यूट सिस वॉल्यूम, और धीरे यानी इसको बंद कर, सॉरी थोड़ा सा आर हो गया, गलत कमांड दे दिया है, तो फिर से करना है nircmd म्यूट सिस वॉल्यूम, उसके आगे 0 कर देना है, नहीं सब कर देना है, और अब देख लीजिए ये वापस से ठीक हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही, शायद से वीडियो लंबी हो गई, मजा कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।